जाओ तैयार। अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। पूज्य स्वामी जी समय समय पर बच्चों के लिए विशेष शिविरों का आयोजन तो करते रहते हैं, साथ ही उनमें छिपी प्रतिभा को भी बढ़ावा देने के लिए उन्हें मौका देते रहते हैं और सम्मानित करते रहते हैं। कटिहार के पतंजलि योग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार के पुत्र आर्यन ने जब माता पिता एवं गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति पूर्ण भजन गाया तो स्वामी जी इस बच्चे को अपना आशीर्वाद दिए बिना नहीं रह सके। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, जिनकी गोदी में पल पल कर हम कहलाते होशियार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। चलना सिखाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया रे हकदार, कि हम पर किया बड़ा उपकार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। भारत स्वाभिमान अभियान के झारखंड दौरे के दौरान रोज लाखों लोग इससे जुड़ व्यवस्था परिवर्तन की इस मुहिम को अपना समर्थन दे रहे हैं। कहीं कोई अपना संपूर्ण जीवन इस अभियान को दे रहा है तो कोई पतंजलि योगपीठ के नाम जमीन कर अपना सहयोग दे रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ आदिवासी बहुल क्षेत्र गुड्डा जिले के कोरका गाँव में, जहाँ डॉक्टर राति रानी ने पतंजलि ग्रामोद्योग एवं स्वाभिमान ग्राम उत्थान योजना के लिए 4 एकड़ भूमि दान कर रोग मुक्त, नशा मुक्त व स्वावलंबी ग्रामीण भारत के स्वामी जी के सपनों को पूरा करने में अपनी भूमिका अदा की। यहां पहुंचकर स्वामी जी ने मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन किया। तदुपरांत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें खुद को योग से निरोग रखना है।
तथा नशा मुक्त जीवन जीना है। साथ ही स्वामी जी ने यहाँ पर अगले साल तक ग्राम उद्योग का प्रकल्प खोलने का वादा भी किया ताकि यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सके। यहाँ कोरका मोड रजोन की धरती अब दिव्य हो गई है क्योंकि भगवान की धरती भगवान के काम के लिए पूज्य माता जी ने अर्पित की है। माता जी को एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत प्रणाम। आज पूज्य माता जी का पूरा परिवार यहाँ पर है, बेटा उमेश और भाई श्याम जी। श्याम कहाँ है? इधर ही है। भाई श्याम जी, उमेश जी दोनों यहाँ पर है। इंदिरा नहीं आई है, मीरा भी यहीं पर है और जो है शीला और रंबा रानी यहाँ मेरे साथ ही बैठी है, माता की बहनें। और पूरा परिवार डॉक्टर राजेंद्र रामदास जी, और राम के ही दास थे। रामदास की इस विरासत को पूज्य माता जी ने रामदेव को अर्पित कर दिया राष्ट्र के कल्याण के लिए। तो डॉक्टर राजेंद्र रामदास जी की आत्मा भी आज बहुत प्रसन्न होगी। कभी मैंने भी नहीं सोचा था, मैंने तो जिंदगी में पहली बार ये रजोन नाम सुना, लेकिन अब पूज्य माता जी ने एक बड़े उद्देश्य के लिए कि यहाँ बड़ा काम होना चाहिए और ये जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इधर ये सुंदर सुंदर नारियल के पेड़ है, आगे खजूर के पेड़ है, ताड़ के पेड़ है आगे, तो खजूर के ताड़ के पेड़ है और आगे गांव कितनी दूर है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यदि दो काम आप करो तो तीसरा हम रजोन में कर सकते हैं। योग करना शुरू कर दोगे सर? बोलो, करेंगे योग? हमारे भाई दिलीप जी यहाँ पर है, दिलीप दादा इधर ही कहा, और आप सब लोग योग करेंगे ना, तो आप सब लोगों को योग करके सबको निरोग बना देना है। और दूसरा, बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा छोड़ना पड़ेगा। तो हम अपना काम हम करेंगे कि यहाँ पर 500 से 1000 लोगों को रोजगार हम देंगे, 500 से 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा, तो क्या छोटी बात है? और ये काम आप कर दो, हम अगले साल यहाँ पर पतंजलि ग्रामोद्योग का बड़ा प्रकल्प जहाँ पर सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ से बनने वाले जो उत्पाद हैं उसकी आमदनी से आसपास के आदिवासी इलाकों का सारा विकास होगा। हमको एक रुपये नहीं चाहिए। जितने भी हमारे वनवासी भाई हैं, ग्रामवासी हैं, इनके लिए अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा हेल्थ मिले, अच्छे रास्ते हो, पीने का अच्छा पानी मिले, सब जो है बहुत सुंदर काम हो सकेगा। बस एक काम अपने को करना है। देखो, नशा तो कोई अच्छी चीज तो है नहीं, इससे तो अपना भी शरीर, अपना धन तो नष्ट होता है, और हम यदि नशा करेंगे तो हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे। सुनो, आज जो है पूज्य माता जी का सपना तो जो था इन्होंने पूरा कर दिया। माता जी ने 4 एकड़ जमीन पतंजलि योगपीठ के इस कार्य के दान देने का निश्चय किया और वो माता जी ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब बाकी काम गांव वालों को करना है। आप चाहते हो कि यहाँ पर खूब लोगों की भलाई का काम हो और ये स्थान एक तीर्थ बन जाए, ऐसा करना है, जहां योग होता है, यज्ञ होता है, सेवा होती है, वो तीर्थ हो जाता है। तीर्थ तो तप से होता है, तीर्थ तो साधना से होता है, तीर्थ तो सेवा से होता है। तो यहां अभी आस पड़ोस के गांव में अच्छा स्कूल है, हाई स्कूल है, तो जो भी इसके बारे में हम विचार करेंगे, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, फिर यहाँ आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के लिए उससे उत्पादन, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाना, साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, आंवला, एलोवेरा का जूस, सब जो भी घर में प्रयोग होते हैं, केवल इस गांव रजोन गांव के लिए नहीं,
पूरे दुमका के लिए और आसपास के क्षेत्र के लिए, पूरे दुमका में भी 2000 गांव है। सब लोग विदेशी कंपनियों का सामान खरीदते हैं, लक्स खरीदते हैं, लाइफबॉय खरीदते हैं, पेप्सोडेंट खरीदते हैं, कोलगेट खरीदते हैं, डव खरीदते हैं, खरीदते हैं अलग अलग साबुन। आप लोग घर में साबुन किस साबुन से नहाते हो? लक्स साबुन। अब सबको लक्स और डव छोड़ करके देसी साबुन से नहाना है, उससे सस्ती और उससे अच्छी साबुन जड़ी बूटियों की बना करके देंगे। तो बोलो देसी साबुन से नहाओगे कि विदेशी से? बोले बाबा देसी मिल जाए और सस्ती मिल जाए और अच्छी मिल जाए, फिर हम विदेशियों को पैसे क्यों देंगे? ऐसे ही एक बड़ा काम होना है। लेकिन ये बोलो रजोन वाले, पहले तुमसे शुरुआत करता हूं, बोलो रजोन वाले बीड़ी सिगरेट शराब मेरी झोली में डालने के लिए तैयार है? कितने लोग तैयार है बीड़ी सिगरेट डालने के लिए? अभी गुटखा मसाला है, बैठे रहोगे कोई खड़ा नहीं होगा। किस किस की जेब में गुटखा है निकालो, खैनी खानी कुछ तो होगा। डालो डालो जो बीड़ी बाड़ी गुटखा है सब डाल दो इसमें। किस किस की एक ही नहीं आए? नहीं है? घर में है? घर में है। किसकी जेब में है? ला लो निकालो निकालो, खड़े हो जाओ, डाल दो इधर, डाल दो इधर इधर झोली में, झोली में। किस किस की जेब में है बाबा? इधर डालो, डाल दो ऐसे। आगे खड़े नहीं, खड़े हो कि नहीं आएगा? आशीर्वाद लेने के लिए तो सबको दे दिया है, और माताएं तो नहीं खाती ना? कहा देगा? ए माया भी कुछ देगा, पैसा नहीं लेगा। सुनो उठेगा नहीं, उठेगा नहीं, उठेगा नहीं। आशीर्वाद बाद में मिलेगा, पहले गुटखा लेगा। तो एक चोना लगा के खाता है। शुभमानंद आ जाओ। एक तरफ चोना, एक तो थोड़ा सा ही बचा इसमें। अब सब गांव वालों ने निश्चय कर लिया है, और आस पड़ोस के गांव वाले, खाली अकेला गांव नहीं, इसके अड़ोस पड़ोस में कितने गांव है? रजौर गांव के बाहर वाले कितने हाथ में गांव? तो बाहर वाले बहुत है। तो सब गांवों को अच्छा बनना है कि नहीं बनना? तो सब गांवों को अच्छा बनना है, सबको योग करना है। हमारे सब कितने गांव है आस पड़ोस में? इधर 10-12 गांव है ना। तो सब गांवों को अंदर अभियान चलाएंगे और सब गांवों को निरोगी निर्व्यसनी बनाएंगे, नशा मुक्त बनाएंगे, रोग मुक्त बनाएंगे, और जो भी संभव हो सकेगा कुछ दवाइयां तो सस्ते मूल्य पर होगी ही होगी, लेकिन कुछ दवाइयां जो हम उपलब्ध करा सकते हैं यहीं पर बो करके, जो यहां पर बो करके दवाइयां दी जाएंगी वो यहां वनवासी क्षेत्र में फ्री में दी जाएंगी, जो यहां बो सकेंगे। और जो खरीदना पड़ेगा तो उसका तो थोड़ा मूल्य देना पड़ेगा, जो चीज खरीदनी पड़ेगी। तो आस पड़ोस के गांवों के लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, लेकिन भाई